प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ से देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र विषय के पेपर का फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा क्योंकि आज मैं यहाँ से आप सभी को आपकी त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12 राजनीति शास्त्र का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और आपके 23 नंबर तक के जो क्वेश्चन हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको ऐसे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखकर जरूर जाएं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर होगा और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, देख सकते हो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमारे द्वारा पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर नहीं छूटेगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आपने पूरा देख लिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज मैं यहाँ से आपको हल सहित बताने वाला हूँ। तो चलिएगा समझते हैं आपका पेपर कैसा आएगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका पेपर कुछ इस प्रकार का होगा। आप लोग जैसा कि यहाँ से देख पा रहे हो त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र विषय का पूरा एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि सारे के सारे निर्देश यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब चलिएगा बिना किसी देरी के समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का फुल सॉल्यूशन आज मैं यहाँ से आपको देने वाला हूँ। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पेपर के क्वेश्चन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आने वाला है। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। प्रश्न नंबर 1 लिखा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। शीत युद्ध का चरम बिंदु था क्यूबा मिसाइल संकट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखा है, द्वितीय विश्व युद्ध की समय अवधि थी 1939 से 1945 तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंद्र 2017 क्या है। तो देखिएगा रूस और भारत द्वारा संयुक्त सैनिक अभ्यास है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती कौन सी थी। तो राष्ट्र निर्माण प्रमुख चुनौती थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से क्या आशय है। तो देखिएगा आक्रमण से रक्षा ही स्वतंत्रता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है। तो देखिएगा श्रीलंका जो है आसियान का सदस्य नहीं है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उनके आंसर्स को देखते हैं। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। आप लोग यहाँ से इसको पूरा देखकर जरूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान पूर्ति दी गई है। रिक्त स्थान पूर्ति को आप लोग पढ़ लेंगे और पूरा समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। बिल्कुल सर, इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख लेना है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरणीय समस्या तभी समाप्त हो सकती है जब मनुष्य स्वयं को पर्यावरण का अंग मान ले। उसके बाद सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी, 8 है। समग्र परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT सन 24 सितंबर 1996 में संपन्न हुई। उसके बाद अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति है। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैनिक गठबंधन वारसो पैक्ट है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण का आशय है कि विश्व का सिकुड़ना और समग्रता में विश्व की चेतना का तीव्र होना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो सन 1971 में पाकिस्तान का पूर्वी भाग स्वतंत्र होकर नया राष्ट्र बन गया। बिल्कुल सत्य है। पारंपरिक रूप से स्वास्थ्य का तात्पर्य आरोग्यता से लिया जाता, असत्य है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई, असत्य है। सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मसलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता, बिल्कुल सत्य है। पर्यावरणीय मापदंड के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का 33% भाग वन क्षेत्र होना चाहिए, बिल्कुल सत्य है। आंध्र प्रदेश राज्य का जन्म 1955 में हुआ, ये असत्य है। इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लें और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप लोग क्या देखोगे, सही जोड़ी। सही जोड़ी का मिलान कैसे आप लोग कर लोगे, सन 1991 ऑपरेशन डेजर्ट स्टर्म हुआ था, चीन की जोड़ी आपको मिला लेना खुले द्वार की नीति से। सन 1965 का भारत पाक युद्ध हुआ था, 5 स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में हैं, पाकिस्तान सार्क का सदस्य देश है और सरदार वल्लभ भाई पटेल देसी रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय कराने के लिए ऐतिहासिक भूमिका इनकी मानी जाती है। अब इसके बाद में यहाँ से देख ले क्या लिखा है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको किस प्रकार से देना है, यहाँ से देख लें। शीत युद्ध किन साधनों से लड़ा जाता है, परस्पर विरोधी दुष्प्रचार से। दुनिया के कौन कौन से देश है, तो देखिएगा दूसरी दुनिया के देश कौन कौन से, सोवियत संघ, क्यूबा, चीन तथा उसके सहयोगी देश। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है नीदरलैंड के हेग नगर में। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये हुई थी जुलाई 1944 में। सन 1972 में पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, स्टॉकहोम में किया गया। शरणार्थी समस्या क्या है, तो भारत विभाजन के कारण पाकिस्तान से भारत आए लोगों को शरणार्थी कहलाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत के दो पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के दो पड़ोसी देश हैं। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, तो देखिएगा बाकी के जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं इन सभी का सॉल्यूशन आपको मैं यहीं पर देने वाला हूँ। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और ये बाकी का आपका जो क्वेश्चन पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में आपसे पूछा जा रहा है। अब चलिएगा मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो क्या क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा,
शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं। ये शीत युद्ध वाला चैप्टर तो वैसे आपका हट चुका है, इसको आपको याद नहीं करना है, शॉक थेरेपी वाला जरूर आपको याद करना है। तो देखिएगा आप इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं, यहाँ से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो शॉक थेरेपी से क्या समझते हो आप, तो देखिएगा ये इसका पूरा का पूरा उत्तर दिया गया है, आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं, तो पूरा का पूरा इसका उत्तर लिखा है, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर ले पूरा ये इतना। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, सोवियत संघ के विघटन से विश्व की राजनीति के स्वरूप में क्या परिवर्तन आया। तो देखिएगा इसका उत्तर भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, ये वाला लिखा गया है, सोवियत संघ के विघटन से विश्व की राजनीति में क्या परिवर्तन आया। यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर ले पूरा, और उसके बाद में दो क्वेश्चन के उत्तर अभी तक हमने देख लिए हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा, सार्क या दक्षेस के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो ये भी हम देखेंगे अभी, मगर इसमें जो ये लिखा है ये वाला देख सकते हो आप लोग, सार्क या दक्षेस के कोई दो उद्देश्य ये लिखिए। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। और उसके बाद अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के कोई तीन अंगों के नाम लिखिए। संयुक्त राष्ट्र के कोई तीन अंगों के नाम क्या क्या है, यहाँ से आप लोग लिख लें, ये वाला क्वेश्चन लिखा गया है, यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के तीन अंग कौन कौन से हैं। अब दो क्वेश्चन ये हमने देख लिए हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निःशस्त्रीकरण से क्या तात्पर्य है। तो देखिएगा इसका उत्तर ये दिया गया है, आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे कि निःशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं, पूरा का पूरा प्रश्न का उत्तर इस जगह पर से आप लोग इसको नोट कर सकते हो। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्वीकरण के कोई दो लाभ कारण लिखिए। वैश्वीकरण के दो कारण क्या क्या है, तो देखिएगा यहाँ से आप लोग एक ये वाला क्वेश्चन नोट कर लेंगे, पहले शरणार्थी समस्या के दो प्रभाव लिखिए। तो देखिएगा ये वाला हमने देख लिया, वैसे ये अभी छूटा है, इसका उत्तर भी इधर उधर हुआ है, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा शरणार्थी समस्या के दो प्रभाव लिखिए, तो ये शरणार्थी समस्या के दो प्रभाव यहाँ से आप लोग इनको नोट कर लेंगे पूरा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्र निर्माण से क्या आशय है। राष्ट्र निर्माण से क्या आशय है, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे पूरा का पूरा, ये लिखा गया है कि राष्ट्र निर्माण से क्या आशय है, इस जगह से आप लोग नोट कर लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, वनों की कटाई से पर्यावरण पर पड़ने वाले कोई दुष्प्रभाव लिखिए। ये भी आपको इसी में देखना होगा, मगर पहले आप लोग इस वाले क्वेश्चन का उत्तर देख लेंगे। देखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत चीन संबंधों में मतभेद के कोई तीन कारण बताइए। तो देखिएगा भारत चीन संबंधों में मतभेद के कारण क्या क्या है, यहाँ से आप लोग देख लेंगे। एक तो सीमा विवाद कारण हो जाएगा, एक मेकमोहन रेखा ये भी कारण हो जाएगा, और उसके बाद में एक भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण ये भी एक कारण हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में चीन द्वारा बस्तियाँ बनाने का मामला और फैसला ये भी इसका कारण हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला वेरी मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन है, ये यूरोपीय संघ के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। वेरी मोस्ट टाइम पी आपके पेपर में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, तो आप लोग यहाँ से यूरोपीय संघ के उद्देश्यों को नोट कर लेंगे पूरा का पूरा। यहाँ पर आप सभी को यूरोपीय संघ के उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं पूरे, ये यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इनको नोट कर ले पूरा का पूरा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख सकते हो, सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य लिखिए। तो देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य लिखिए, ये वाला क्वेश्चन अभी मिल रहा है, तो ये वाला देख ले आप लोग, इसका अथवा है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य लिखे गए हैं। आप सभी लोग यहाँ से संयुक्त राष्ट्र संघ के चार उद्देश्य नोट कर लेंगे, आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना, मूलभूत मानव अधिकारों, मनुष्य की गरिमा और कार्य तथा प्रारूप पुरुष स्त्री के बारे में इनको रोक लगाना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इस प्रकार से आप सभी लोग इनको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में आगे के क्वेश्चंस के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, सुरक्षा परिषद के कार्यों को लिखिए। सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य क्या क्या है, तो देखिएगा ये क्वेश्चन मिल चुका है, सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य क्या क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाने का प्रयास करना, शांति भंग की परिस्थिति को टालना, झगड़ों की छानबीन करना और कार्य योजना बनाना। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये देख सकते हो क्या लिखा है, मानव अधिकारों पर संक्षिप्त लेख लिखिए। मानव अधिकार क्या होते हैं, इस पर लेख किस प्रकार से आपको लिखना है, तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे, मानव अधिकारों पर लेख ये दिया गया है पूरा का पूरा, आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे पूरा। और उसके बाद में ये इतना लिखा गया है, यहाँ तक आप लोग देख लें और पूरा का पूरा नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया गया है क्या लिखा, समग्र परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT के प्रमुख प्रावधान क्या है। तो यहाँ से आप लोग CTBT के प्रमुख प्रावधानों को नोट कर लेंगे पूरा का पूरा, ये इसके प्रावधान यहाँ पर आप सभी को दिए गए हैं, तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इनको नोट कर लें। और अगला जो क्वेश्चन था, पर्यावरण संरक्षण के सुझाव दीजिए। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग इसको भी नोट कर लेंगे, ये जो क्वेश्चन था पर्यावरण संरक्षण हेतु सुझाव दीजिए, तो इसके उत्तर को आप लोग यहाँ से नोट कर ले पूरा का पूरा, ये दिखाया गया है जैविक विविधता को बनाए रखना, वृक्षारोपण कार्यक्रम और बड़ी बांध परियोजनाओं का समुचित विकास करना।
अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, देख सकते हो ये, दक्षिण एशिया क्षेत्र में शांति एवं सहयोग किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन लिखा है, दक्षिण एशिया में शांति एवं सहयोग किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ से आप लोग इसको पूरा देख लेंगे और पूरा का पूरा नोट कर लेंगे इस प्रकार से। तो देखिएगा पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ से आपको दे दिया है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकती हो, श्रीलंका में जाति संघर्ष का परीक्षण कीजिए। तो देखिएगा ये क्वेश्चन लिखा गया है और ये इसका उत्तर लिखा है। तो यहाँ से आप लोग पूरा का पूरा नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को यहाँ से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर एक ही बार में बताया जा रहा है, आप लोग इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। इसके नीचे ये क्वेश्चन लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय एक, इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन हम ये देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हो, 1947 में भारत विभाजन हेतु कौन कौन से कारणों को आप उत्तरदायी मानते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसकी अथवा वाला, इसका अभी हम उत्तर देखने वाले हैं। तो ये इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हो। ये पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को नोट कर लेंगे पूरा। मुस्लिमों की सांप्रदायिक भावना, मुस्लिम लीग की प्रति कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति और अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की नीति और सांप्रदायिक दंगे। और उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन पूछा गया आप सभी से, ये वाला, गोट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। तो ये वाला मिल चुका अपन को, ये देख सकते हो, यहाँ से आप लोग नोट कर लें इसको पूरा। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने आप सभी को एक एक क्वेश्चन, यहाँ तक कि अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर भी मैंने आपको बता दिए हैं। और एक ये वाला क्वेश्चन लिखा था, ये वाला, एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ से आप लोग ये लिख लें कि एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये लिखा, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, इतनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये दिया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों को, देखिएगा यहाँ पर लिखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम लिखकर बताइए कि आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है और क्यों। तो देखिएगा ये लिखा है, इसका उत्तर देख सकते हो यहाँ से, आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे और ये सचिवालय को आप लोगों को अच्छे से स्पष्ट कर देना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों के नाम लिखकर बताइए, ये हो गया था। इसके अलावा ये क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव, इस कथन का सत्यापन कीजिए। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप सभी लोग देख लेंगे यहाँ से और इसको पूरा का पूरा नोट कर लें। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आप सभी को पूरा का पूरा सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दिया है आपका पेपर का। तो देखिएगा आप सभी लोग इसको इस प्रकार से कंप्लीट कर लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।